पाटकुरा अंचलर प्रतिष्ठित महाविद्यालय आज बदनाम कहीं जड़े प्लस टू छात्री को दुष्कर्म घटना बर्तमान सारा राज्य में चांचल्य सृष्टि करकुरा अंचल आज बदनाम होगा जाऊँगी। तेरे दर्शक बंधु आम देखा चाहते से ही महाविद्यालय जोटा रही लोकनाथ महाविद्यालय जो लोकनाथ मिश्र नाँ से यही महाविद्यालय प्रतिष्ठा लाभ करता ये साधारण जनता समाजसेवी मान प्रतिष्ठा यही महाविद्यालय प्रतिष्ठा लाभ करता से महाविद्यालय आज बदनाम होगा जाऊँगी जहाँ पाटकुरा अंचल साधारण जनता मन में असंतोष वृद्धि पाँच तेरे आम सहित से ही महाविद्यालय प्रख्यात जी रही अध्यापक डॉक्टर लिंगराज बाबू जोड़ी होती प्रतिक्रिया ना सर स्वागत करी आपन को अर्घ सुरु जेहेतु आप महाविद्यालय आप प्रथम चाकरी करुते ए महाविद्यालय स्थिति कौन थी ए महाविद्यालय जो आभिमुख्य कौन थी बर्तमान आज बदनाम कहीं ये महाविद्यालय जो ऐतिह्य था ये गुरु शिष्य परंपरा एवं आम भितर जो सहावस्थान व संपर्क था जोटा कि सेतबेळे थिला एटी जे कोलाबोरेटिव रेस्पोन्सिव वर्कफोर्स किंतु आज देखुची दीर्घ दिन पर कॉलेज एत भाव अवहेलित अध्यापक माने आसुना क्लास नौना किए कौटी ठिकादार कला किए भुवनेश्वर रहा अच्छा लाइब्रेरी लाइब्रेरियन भी रोनी बायोमेट्रिक दि जाऊनी दसटा पंदर बायोमेट्रिक अटेंडेंस सबकल्टर पाखक जाऊनी जे किए के आसूची और क्लास नौ संपर्क में बहुत थर प्रिंट मीडिया बाहरी किंतु सरकार केतेबेळे आक्शन मोड को आसी आसीना ता तो गोटे विराट दुर्भाग्यजनक घटना एटि आमर जी रिप्रेजेंटेटिव से मान्यवर मंत्री महोदय यहाँ हूँ जन्मस्थान मान्यवर मंत्री महोदय को ए कलेजर को स्टाफ नहांती केते रिक्वायरमेंट ए संपर्क से देखते ना नहीं ता भी एक प्रश्न ता भी आम जानूना तेणु बर्तमान सबुठ दुखदायक हो गोटे झील को ये उठे नहीं कॉलेज भितर ए गेट को आपन को देखा ए गेट भितर जन पशि कॉमन रूम भितर जहाँ आम प्रिंट मीडिया पढ़ीचु एवं खबर नहीं चु से कॉलेज भितर ताको निशासक्त कर गाड़ी में बसई नहीं रेफ करी पुनी नरेन्द्रपुर पाखे 25 किलोमीटर दूर तक फोपाड़ दे जाती मोर ये मान्यवर मुख्यमंत्री को विनम्रतार सहित प्रश्न पचारूँ चारोटी ओडिया भितर कौन यही झीलटी आमर जाऊनी सार आपण 19 मसीहार ये आते पाटकुरा मत लगला एटि आपणकर रिप्रेजेंटेटिव किसी कम करती ना कि मान्यवर मंत्री महोदय को यह संपर्क जनाती ना बर्तमान कलेजर सरकार अर्डर करे गवर्णिंग बडी जो प्रेसीडेट आपइंटमेंट हाँ को सभापति आपइंटमेंट भी पारना सब कलेक्टर केते बुझे से पुणी बदली जाइए नुआ आलेक्शन टाइम सरकार नीति नियम भितर से केते काम करेंगे आज्ञा कौन छात्र जनक पशि जाऊँ जो संवर्धना सभा होता प्लस टू संवर्धना सभा सेठी मद्यपान असर जमुच अनेक समय अनेक गणमाध्यम प्रकाश कर साधारण जनता विरोध कर जिलापाल अवगत कराई जोटी अध्यापक मैंने मद्यपान करसती कहीं घटना स्वागत संवर्धन जो भाई घटना आम शुणीचु से तार हूँ प्रतिफलन एटि जड़े भितर को जीव केमती आपोसी कलेज को जातु कलेज पाखे गोटे लोक थी बिना आईडेट कार्ड भितर को छाड़बन तेणु एटि जो मैंने एथेर संतृप्त से मूँ तदंत परिसरभुक्त कराऊ से बाहर पिला किभली से जगह को गले कि नहीं आसिले तेणु एटि जो मद्यपान कथा उठू बहुत दिन तले ये जो मैंने आपण मैंने मोर सब छात्र अच्छा समस्ते जानते बोध हुए यहाँ कहवा कथा नुहे मुझ प्रथम लोक अपोज करी कलेज भितर मद्यपान करना से लाइट नाला रास्ता नाला किसी भी नाला से बहु अध्यापक सहित मोर यही संपर्क में मनमालिन्न होती ता अर्थ नुहे जे मतांतर मनातर भितर भी बहुत संपर्क था जे पाने आमको भय करुले सम्मान देखुले किंतु आज ये जो भाई तदंत परिसरभुक्त को आस किए कौच तो अध्यापक संश्लिष्ट ये किए कौन ये अध्यक्ष होती अपारग कौन सी आक्शन मोड को सरकार एपर्त भी आसी ना तुरंत अध्यक्ष महोदय जदि ये सब संभा पार ना तुरंत इस्तफा दिंतु सरकार बदली करूँ जो अध्यापक ना उठू तदंत परिसरभुक्त करदानगरी थाना अधिकारी को अनुरोध करुच्ची जदि क्या ना उठू तुरंत तदंत परिसरभुक्त करा अभियोग जो आसुचे अध्यापक मैंने सामिल अच्छा जो गण दुष्कर्म भाव तो बड़ा दुखदायक दुर्भाग्यजनक घटना जदि ए कौन अध्यापक संश्लिष्ट था भगवान भी क्षमा देवे तेणु से आम थाना अधिकारी की अनुरोध करुच्छू जदि थे निई धूआ उठिला मैंने निश्चित नुआ निया अच्छी लिंगराज बाबू जो प्रतिक्रिया था कहीं लिंगराज बाबू थे ये महाविद्यालय प्रथम अध्यापक जे कि प्रथम पाठ पढ़ाऊ
जो पाटकुरा अंचल रही निश्चिंत भाव शिल्प विहीन अंचल जोटी की गरीब दादन श्रमिक मैंने बाहर राज्य को जाऊँ दादन श्रमिक खटवाक तेज यठिकार युवक मैंने पाठ पढ़ा आसवती मैंने पाठ पढ़ा बहुत कष्ट पर लोक ये पाठ पढ़ाऊँ तेज गोटे विड़म्बनार विषय पलुँच कहीं महाविद्यालय बदनाम हो जाए अध्यापक मैंने मद्यपान करेप भाई संगीन अभियोग आसूँ ये महाविद्यालय को आज्ञा केमती देखुं आप जो समाजसेवी विषय में केमी देखुं आपण अंचल गरीब पिलाटे बखा खाई घर आसूची पाठ पढ़ापे कि दुष्कर्म शिकार होती छोट झीटे दुष्कर्म शिकार होती आठगड़ जो युवक सीधा सख्त ये आसपान कर उठे नि कहीं घटना आम मैंने ये कलेज को शनिवार के पाठ पढ़ी नथिलु तृतीय श्रेणी ठारु सप्तम श्रेणी पर्यंत इटा बोहिछु कलेज गढ़ीछु आज एटा शुणिला पर बहुत दुख लगुछि कांद भी लगुछि ये जो परिस्थिति आसी कलेज पहुँचलानी जदि सरकार हाथ किसी न निंती आक्शन कि पुलिस किसी आक्शन न निए आज गोटे झील को नहींगले कल कलेज भितर भी रिजर्व करेंगे अज्ञा गोटे कलेज रही निश्चित सिक्यूरीटी कड़ाकड़ी दरकार आई कार्ड ना जो बेनामी छात्र कि पशि जाऊँ आठगड़ जो युवक कि आसिले और सी मैं बीजेडी लिंक अच्छा राजा स्वाई सहित संपर्क रही अनेक घटना ये कहुच्छे अतनु सबसाची निज अंचल निज कलेज से पाठ पढ़ुते कहीं कलेज बदनाम जब हो तो से जो अध्यापक हूँ अध्यक्ष हूँ तर कहीं मंत्री आक्शन नौ ना कहीं चपी जा तो आम राजनैतिक ये किसी कही पारू नहीं आम दुखर विषय होटी कहीं सिक्यूरीटी स्ट्रंग रोना कौन पर बाहर लोक भितर पशि पार्टी कंपाउंड नाला एटा तार बाड़ कराला लुहा ये बाड़ कराइला ये कि आज कंपाउंड हो जाए कौ मान इंगित कौ मान इंगित नईपार सिक्यूरीटी स्टेट से आक्शन भितर अणा जाऊ पचरा जाऊ करा तेज एटी कौन सावित्री अग्रवाल प्रतिरुद्ध कर विधायिका अच्छा सी भी जड़े महिला जिते जड़े छात्री को दुष्कर्म करशासक्त करते कोल्ड ड्रिंक्स मद मिश्रित करते दुष्कर्म करनेक जो अध्यापक मैंने अच्छे सेमिल अच्छा संगीन अभियोग आसता बेले सावित्री अग्रवाल संवेदना जड़ाईपी ये विद्यालय को आसमी घटना आस आज्ञा केमती देखुं आपण विद्यालय कहीं बदनाम होगा जाऊँगी जेहतु आपण अंचल गरीब पाठ मेधावी छात्र छात्री पाठ पढ़ी अनेक क्षेत्र में पारदर्शिता लाभ करेक आई एस ओएस महाविद्यालय होती अनेक एमती बहुत रही किंबदी ये विद्यालय बदनाम हवा पचरे कह रहा हाथ देखु हजिर गचर गुण कौन कह मूल पास तो सारा ओडा सारा से पाटकुरा नाला यहाँ फास्ट पाटकुरा आरंभ हो गला दृढ़ कार्यानुषान दरकार ना राजरास्ता को लोक ओल्ल तेरे राजरास्ता को निश्चित भाव में ओल्लैबे तेज आम अर्गस न्यूज भाव में खबर प्रसारण करूँ दर्शक बंधु आपंट ये रही शिक्षामंत्री अतरु सव्यसाची नायकों निज अंचल निज गाँ कह अत्युक्ति हे नहीं तेज एठिकार जो स्थित संगीन होगा जाऊँगी राज्यर स्थित कौन हो तेरे ये महाविद्यालय में जितेबाला जन दुष्कर्म हो छीटी की प्लस टू छात्रीटी को निशाशक्त अवस्था आठगड़ आसुवा सूर्यकांत नामक जड़े युवक जैक जो बीजेडी लिंक थी युवक जो नहीं गणदुष्कर्म करुच्ची से ही समय थाना अधिकारी विलंब में एफआईआर नौ अन्य पक्ष जो अनेक गणमाध्यम खबर प्रकाश पाँच से गिरफ करा गोटे विड़म्बनार विषय पाल्वा बेले पाटकुरा अंचल साधारण जनता असंतोष वृद्धि करुँच कहीं पाटकुरा हूँ स्वाभिमान माटी जोटी की अनेक अनेक राजनेता मान सुनाम रही राज्य राजनीति में तेज से राजनेता मान उत्तरदायी रहा दरकार कहीं निज अंचल बदनाम जिते होती चुप रही एमती अनेक प्रश्न आसूब आज रिएक्शन ना भाई आप तो ये अंचल केमती देखुं तेज सार शेष प्रतिक्रिया रखिए तेज ये महाविद्यालय जो थी आगु किंबदंती थी जो महात्मा मान जो व्यक्तित्व मान कलेज को प्रतिष्ठा लाभ करते से व्यक्ति आज कौन परिचय जो मैंने कलेज को कर बहु कष्ट करते से आत्मा बर्तमान कांदु थे ये कौन घटना घटुची एटी मोर गोटे कथा प्रश्न उठी कि जिते बड़े नुआ वर्ष आसूसी मान्यवर मंत्री महोदय को लेकिन आम रिप्रेजेटिव आम जी अच्छा से फूलमाल पकाचं कितु जिते बड़े कलेज कौन समस्या कहीं मंत्री पाखु तो जाकि कहूना जे आज्ञा कलेज स्टाफ ना कलेज ये सब प्रोब्लेम हो कथा तो कहूना कितु कौन कौन ना मंत्री महोदय ओडिशार समस्त कथा शुणे पाटकुरा जन्मस्थान से निश्चय शुणे खबर पहुँचे तो
ସବ୍ କଲେକ୍ଟର ମହୋଦୟଙ୍କ ପାଖରେ ଖବର ପହଞ୍ଚିଲେ କି? ସେ କ'ଣ ଗଣମାଧ୍ୟମରୁ ଜାଣିପାରନ୍ତି? ସାବିତ୍ରୀ ଅଗ୍ରୱାଲ ମହିଳା ଜଣକ, ସେ ଜାଣିପାରନ୍ତି ଗୋଟେ ଛୋଟ ଝିଅଟିକୁ ଏଠି ରେପ୍ କରାଯାଉଛି, ଏଠି ଟେକି ନିଆଯାଉଛି, ସେ କ'ଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି? ତାଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳ ସେ କେତେ ଥର ପ୍ରତିବାଦ କରୁଛନ୍ତି, ସେ କାହାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରିଛନ୍ତି, ଏମିତି କିଛି ଘଟଣା ଅଛି? କୌଣସି ଦିନ ତାଙ୍କର ଆମେ ବିଧାୟକ ମହୋଦୟଙ୍କର କୌଣସି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଆମେ ଦେଖିପାରୁନୁ ବା କୌଣସି ଆକ୍ସନ୍ ବି ଦେଖିପାରୁନୁ। ବରଂ ଏହିସବୁ ଯେଉଁ ପ୍ରିଣ୍ଟ ମିଡ଼ିଆ ଆଉ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ମିଡ଼ିଆ ଦ୍ୱାରା ଆସିବା ଫଳରେ ଉଦାନଗରୀ ଥାନା ଅଧିକାରୀ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଭାବରେ କରୁଛନ୍ତି, କ'ଣ ଆମର ଆକ୍ସନ୍ ନେଉଛନ୍ତି ବା ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଏଇଟା ଠିକ୍ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ସବୁ ଜାଗାରେ ଯେ ସେ ସବୁ ଜିନିଷ କହିବେ ତା ନୁହେଁ। ମୁଁ ଖାଲି ଖବର ପାଇଛି 341 କେସ୍ ନମ୍ବରରେ ସେଇଟା କେସ୍ ରୁଜୁ ହୋଇଛି। ତେଣୁ ଯେଉଁମାନେ ଏହି ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମରେ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ନାଁ ଉଠୁଛି, ତାଙ୍କୁ ତଦନ୍ତ ପରିସରଭୁକ୍ତ କରାଯାଉ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ପୋସ୍କୋ ଆଇନରେ ଯଦି ଫାଶି ଦିଆଯାଏ ମଧ୍ୟ ତାହେଲେ ଆମେ ଖୁସି ହେବୁ। ନହେଲେ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ସଂଗଠନ ତରଫରୁ ରାଜନୈତିକ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଉଠି ବାଧ୍ୟ ହୋଇକି ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇବୁ। ଏ ଅଧ୍ୟାପକମାନେ ବହୁତ ଦିନ ଧରି ରହିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ ହେବା ଉଚିତ। ଏଭଳି ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ୍ ଯଦି କୌଣସି କାମ କରୁନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ହଟାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। କଲେଜରେ ଶୈକ୍ଷିକ ବାତାବରଣ ଆସୁ, ଖାଲି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦୋଷ ଦେଲେ ହେବନି। ଜଣେ ପୋଲିସ ଅଫିସର ତାଙ୍କର ବି ବିଭିନ୍ନ କାମ ଅଛି, ଜଣେ ସବ୍କଲେକ୍ଟର ତାଙ୍କର ବି ବିଭିନ୍ନ କାମ ଅଛି। ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିସରରେ ସିସି କ୍ୟାମେରା ଥିବ? ମୁଁ ତ ସେଇଥିପାଇଁ କହୁଛି ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ସେଦିନ ସିସି କ୍ୟାମେରା ଦେଖାଯାଉ, ସେଦିନ କେଉଁ କେଉଁ ମାନେ ଅଧ୍ୟାପକ ମାନେ ଆସିଥିଲେ, କ୍ଲାସ୍ ନେଇଛନ୍ତି କି ନାହିଁ। ବିନା ପ୍ରରୋଚନାରେ, ବିନା ସହଯୋଗରେ, ବିନା ପ୍ରୟୋଜନରେ, ବିନା ଏତେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ପ୍ରାୟୋଜିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ନହେଲେ ଏଭଳି କେହି ସାହସ କରିବେ ନାହିଁ ଗେଟ୍ ଭିତରୁ ପଶିକିରି। ତେଣୁ ସେଦିନ CCTV ଦେଖାଯାଉ, ସେଦିନ ବାୟୋମେଟ୍ରିକ୍ ଦେଖାଯାଉ, ସେଦିନ ଆଟେଣ୍ଡାନ୍ସ ଦେଖାଯାଉ, ସେଦିନ କେଉଁ କେଉଁ ପିଲା କେଉଁଭଳି ଯାଇଛନ୍ତି, କେଉଁ ଗାଡ଼ି ନେଇ, ସେଦିନ ଗେଟ୍ ପାଖରେ କିଏ ଡ୍ୟୁଟି କରୁଥିଲା, କାହିଁକି ଡ୍ୟୁଟି କରୁନାହାନ୍ତି, ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବରେ ତଦନ୍ତ ପରିସରଭୁକ୍ତ କରାଯାଉ। ଏମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଲ ଭାବରେ ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯାଉ, ନହେଲେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ତ କ୍ଷମା ଦେବୁନି, ବରଂ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇବୁ ଯେ ତୁରନ୍ତ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ କିଛି ନା କିଛି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ। ତେବେ ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ ତଦନ୍ତ ପରିସରଭୁକ୍ତ ଆସୁ ବୋଲି ପୂର୍ବତନ ଯିଏ ଥିଲେ ଅଧ୍ୟାପକ ଥିଲେ, ସେ ସିଧାସଳଖ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଆଣୁଥିଲେ ଏବଂ କହୁଥିଲେ ଯେତେବେଳେ କୁହାଯାଉଛି ଏ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟଟି ବହୁ ପୁରାତନ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟଟି ରହିଛି, ଅନେକ ନାଁ ଥିଲା, ସୁନାମ ଥିଲା, ତେବେ ଏ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପାରଦର୍ଶିତା ଲାଭ, କିଏ IAS OAS ଅଫିସର, କୌଣସି ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପାରଦର୍ଶିତା ଲାଭ କରୁଥିବା ବେଳେ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟଟି ବଦନାମ ହୋଇଯାଉଛି। ତେବେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ପହଞ୍ଚିଥିଲୁ, ଖବର ଯେତେବେଳେ ପ୍ରସାରଣ କରୁଥିଲୁ, ପହଞ୍ଚିଥିଲୁ, ସେତେବେଳେ କିଛି କୁହାଳିଆ ଅଧ୍ୟାପକମାନେ ଏହାକୁ ଅପୋଜ୍ କରିଥିଲେ, ସେ ଛାତ୍ରୀ ଜଣକ ଆମ ନୁହଁ ବୋଲି। ଯେତେବେଳେ ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା, ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ କଲା, ତେବେ ଯେଉଁ ଗିରଫ ହେଲେ, ଯେ ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ ନାମକ ଯଦି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯୁବକ ଗିରଫ ହେଲେ, ତେବେ ସେ ଯେଉଁ କୋହଳିଆ ଅଧ୍ୟାପକ ଅଧ୍ୟାପିକାମାନେ ଥିଲେ ସେମାନେ ପ୍ରଶ୍ନ ରଖିବେ ତ? ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ କହିବା, ଯଦି ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କର ସଂସ୍ଥା ଅଛି, ତେବେ ତାଙ୍କ CCTV କ୍ୟାମେରା ଠିକ୍ ଅଛି, ତେବେ ସିଏ ଯଦି ସଠିକ୍ ଭାବେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି, ଅଧ୍ୟାପକ ଅଧ୍ୟାପିକାମାନଙ୍କୁ ସଠିକ୍ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ମଦର ଆସର ଜମୁନି, ତେବେ ସିଏ ମଧ୍ୟ କାଲି କ୍ୟାମେରା ସାମ୍ନାକୁ ଆସନ୍ତୁ ଏବଂ ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଏ କଲେଜର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କିଏ କରିଥିଲେ। ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ କହିବା, ଦୁଃଖ ପରିତାପର ବିଷୟ ପାଲଟିଥିଲା ବେଳେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଏଠି ଚୁପ୍ ବସିଛନ୍ତି, ମନ୍ତ୍ରୀ ଅତନୁ ସାହେବ ସେଠି ମଧ୍ୟ ଚୁପ୍ ବସିଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ହୁଅନ୍ତୁ, ଅଧ୍ୟାପକ ହୁଅନ୍ତୁ, ଅଧ୍ୟାପିକାମାନେ ସାମିଲ ଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତମୂଳକ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ସାଧାରଣ ଦାବି ହେଉଛି। ତେବେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଆଶା ରଖିବା ଯେ କି ପୀଡ଼ିତା ଜଣକ ନ୍ୟାୟ ପାଉ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଦୋଷୀ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଉଚିତ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉ ପୋଲିସ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିବା ପାଇଁ ସିଧା ସାଧାରଣ ଦାବି ହେଉଛି। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଲୋକନାଥ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିସରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ସରୋଜଙ୍କ ସହ ପ୍ରଭାତ ଲେଖା ଅର୍ଗେଶ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।